सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल सरकारी मास्टर पर। पीछे आप लोग देख रहे हो क्या चल रहा है तो उसको देख लो और स्टार्ट करेंगे फिर हम आज की क्लास को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ हद तक तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू आर रेडी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। देखिए, प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अगर आपको सफल होना है तो, नहीं होना है तो घंटा कुछ मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, ठीक है, देखिए मेरे बोलने का थोड़ा तरीका अलग ही रहता है हमेशा। तो अगर आप सफलता पाना चाहते हो, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा करके जाओगे ना और जितने ज़्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा सफलता का चांस जो है ना आपका बढ़ जाता है। तो सभी प्यारे छात्रों को नमस्कार। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। उम्मीद करते हैं कि मैं दिख रहा हूँ, अगर मैं दिख रहा हूँ तो कृपया करके बता दीजिएगा कि सर जी आप दिख रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद आरती जी। देखिए बस ऐसे ही है, थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं। प्रतिमा गंगवार जी भी हैं, आस्तिक पांडे जी हैं, प्रज्ञा सिन्हा जी भी हैं, ठीक है, जितेंद्र जी हैं, कुंवर सिंह जी हैं, ठीक है, प्रणाम सर। मीना, अच्छा मेरा बोल रहे हो, मीना सर सुपर टैट होगा या नहीं? भीम दीवाने, आर्या जी, देखो भीम दीवाने साहब सुपर टैट तो होना है, ये बात तय हो गई है। ठीक है, तय कैसे हो गई है? अब बहुत सारे लोग कह ये सोचते हैं कि सर हर बार यही खबर आती है कि इतना डाटा जारी हुआ, उतना पद खाली है, बट भर्ती तो आती नहीं है। ठीक है, हाल ही में आज एक नोटिस जारी हुआ, उस नोटिस में ये बताया गया, ठीक है, उस नोटिस में ये बताया गया कि जुलाई के अंत तक, ठीक है, जुलाई के अंत तक 6800 जो सूची है ना उस सूची को पूरा कर लिया जाएगा। मतलब 6800 के जितने भी प्रॉब्लम चल रही है 6800 सूची को लेकर के, ठीक है, तो 6800 सूची क्लियर कर दी जाएगी। मतलब 69000 जो भर्ती है ना वो पूरी फाइनल, फुल एंड फाइनल कर दी जाएगी जुलाई के अंत तक। और उसके बाद में आप लोगों को मालूम है आज भी जो डाटा सामने निकल करके आया अखबार में कि लगभग 1.25 लाख के आसपास जो है ना पद खाली पड़े हुए हैं। फिर जो डाटा अभी मंगाया गया है, डाटा कौन सा वाला, अभी नए एडमिशन हुए हैं, किस विद्यालय में कितने बच्चे पहुंच गए, किस विद्यालय में कितने टीचर की और ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद में भर्ती आएगी। ठीक है, भर्ती ना आने के कई कारण और थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकार भर्ती नहीं देनी चाहिए, देखिए भर्ती सरकार भी देना चाहती है, बट सरकार के सामने दिक्कत है क्या है कि अभी 69000 वाली भर्ती पूरी नहीं हो पाई उनकी, 6800 सूची वाला पेज फंसा हुआ था। तो 6800 सूची वाले को बिना क्लियर करे, आप खुद समझदार हो, बिना 6800 सूची वाले छात्रों को न्याय मिले अगली भर्ती का स्टेप कैसे ले ले सरकार। तो यही रीजन है मेन कि अभी तक भर्ती नहीं देखने को मिली, बट जुलाई के अंत में जैसे ही 6800 सूची क्लियर हो जाती है तो उसके बाद में आप लोगों को नई भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अब जनवरी 2023 आने में अभी मुश्किल से 6 महीने का वक्त है, तो 5 या 6 महीने का ही वक्त है। आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और जनवरी या फरवरी में हर हाल में आप लोगों को शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। और जिसने ये महीने गवा दिए, ये 5-6 महीने गवा दिए, उनके तो कहने ही क्या, आप लोग अगली भर्ती का इंतजार करना फिर। ठीक है, अगर सच में जॉब लेनी है तो देखो फाइट इस बार तगड़ी वाली होने वाली है, तो अपना सिलेबस कंप्लीट रखो। इसीलिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सिलेबस को अपलोड कर दिया, आप लोग चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सिलेबस को देख सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई कि आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना कि पंख ही नहीं काफी है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। कि पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। बहुत सारे लोग ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा। आईएएस बनने के लिए भैया स्ट्रगल कौन करेगा? स्ट्रगल तुम्हारा पड़ोसी करेगा क्या? ठीक है इला जी, अब देखो बहुत जल्द, ठीक है बहुत जल्द, मतलब आप लोग देखें 10 तारीख के आसपास आपके और भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। पहले नंबर का प्रश्न है, हिंदी से शुरुआत होती है, हिंदी के पेपर में भी देखने को मिलेगी, तो हिंदी से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती बताइए। अब देखो भीम दीवाना, मैं इस पर क्या बोलूं, देखो वैकेंसी तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या भरमार आएगी भैया, इतनी जो आबादी जो है ना, इतनी जो भारतीयों की देन हो रखी है आजकल, ठीक है, यूपी बिहार एमपी वाले इतनी ज़्यादा जो
भगवान की देन क्या क्या के जो आबादी बढ़ा रहे हैं उसकी समस्या है भाई। देखो जॉब तो लिमिटेड ही है, अब आबादी होगी आपकी 25 करोड़ यूपी की, तो भैया जॉब तो लाखों की संख्या में और जो युवक हैं वो 25 करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो जॉब तो भैया लिमिटेड है, तो फाइट तो करनी पड़ेगी। अब पहले जाला जमाना चला गया, फॉर्म भर देते थे और लग गई नौकरी। अब देख रहे हो कितना कंपटीशन हो गया है। शिक्षक भर्ती में पहले, मतलब पहले टीचर बनना बहुत आसान था उत्तर प्रदेश में हर जगह पे, बट आज के समय में सबसे अगर कठिन कंपटीशन है वो उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का, भी प्राइमरी का टीचर क्यों है वो मैं आने आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो पूर्वी हिंदी की अगर हम बात बात करें, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है मगही, जो है ना पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आप कहोगे सर जी क्या बोल रहे हो, मगही पूर्वी हिंदी के कहाँ जी, आप बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। प्रीतिपाल जी संस्कृति क्लास जो है ना उसका प्लेलिस्ट बना देंगे, कल आप देख लेना सारी, ठीक है, प्लेलिस्ट बना देंगे। और हमारे ऐप पर वो कोर्स ऑलरेडी ऐप उपलब्ध है, फ्री में ही है। ऐप को सुन करके ना मुंह ना सुकोड़ा करो आधे लोग, ए सर जी ये ऐप दे रहे हैं। देखो ऐप देने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको चीजें ढूंढना नहीं आती, मतलब यूट्यूब पे ना दिमाग लगाने का काम है। ऐप पे आपको सारी प्लेलिस्ट वगैरह बना करके डाल दी, तो वहां पे आप लोगों को जो है ना मिल जाएगा आराम से। तो आते हैं सेकेंड नंबर के प्रश्न पर, काटना आखिर का तत्सम किसका? काटना का तत्सम क्या होगा बताइए आप लोग, काटना का तत्सम क्या होगा? काटना का तत्सम होता है कतरन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरे नंबर पे आते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का आखिरकार पर्यायवाची नहीं है बताइए। करंट रिपु दीपु कौन है, ये नाम मुझे पता है, ठीक है, रिपु दामन राठौर जी, ठीक है दीपू जी, करंट अफेयर्स मैडम जो करा रही हैं वो वाली आपने नहीं देखी, वो वाली करो और हम भी उनको जल्दी कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, हो सकता है या फिर मैडम ही कवर करेंगे, ठीक है, या फिर हम कवर करेंगे, बट अभी जो पेजेस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो पेजेस भी आप लोग ना देख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का पर्यायवाची आप सब लोग जानते हैं सरोज जो है वो चंद्रमा का नहीं होता, सरोज किसका है? सरोज जो है ना कमल का, किसका? कमल का, ठीक है, कमल, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चौथे नंबर पे आते हैं, संयुक्त व्यंजन आखिरकार कौन सा? निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा बताइए, संयुक्त व्यंजन क्या है बताइए। पता है आप लोगों को, मोर देन 70% जो मिडिल क्लास जो फैमिली वाले बच्चे होते हैं वो सफल केवल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके घर में उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, मतलब उन बेचारों को यही नहीं पता होता है, घर वालों की भी बात है, घर वालों को यही नहीं पता होता है कि अपने बच्चे को कराना क्या है। बच्चा इधर उधर से नॉलेज करके अपना जो है ना आगे की राह चुनता है, जबसे सबसे बड़ी गलती पता है किनकी है? गार्जियंस की होती है, क्योंकि गार्जियंस ही बच्चे को गाइड करेगा, बच्चे के पास तो नॉलेज होती नहीं है। तो असफल होने के सबसे ज्यादा जो रेशियो है ना वो यही है कि गार्जियंस को सही नॉलेज नहीं है कि आखिरकार उसका फ्यूचर में हमको कराना क्या है। जैसे तैसे 12वीं कराई, 12वीं के बाद बीएससी बीए करवा दिया, अब क्या, अब करो नौकरी, अब लला और बिटिया नौकरी करें कहां से, उनको आगे का कुछ आइडिया नहीं है बेचारे, कभी रेलवे में फॉर्म डालते हैं कभी इधर डालते हैं। आपने देखा जो सफल होते हैं लोग उनके घर वाले बहुत अवेयर होते हैं क्या कराना है, जागरूक होते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को जब आपकी अब जो आने वाली पीढ़ी है ना उसके लिए अवेयर रहना, पहले से फ्यूचर प्लानिंग करना कि मेरे को ये कराना है, ठीक है, और गाइडेंस देना फैमिली का काम है। अगर फैमिली को नहीं आता तो कुछ टीचरों की मदद ली जाए, फैमिली वाले टीचर बताएं किससे मदद लो, ठीक है, इसलिए सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा? देखो संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें, संयुक्त व्यंजन जो है ऑप्शन नंबर बी है ग्या, संयुक्त व्यंजन वी है ग्या, ठीक है, संयुक्त व्यंजन ग्या है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन जो है आप लोग क्या हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग अपनी आने वाली संतानों को, जो भी मतलब जिनकी शादी हुई उनकी, जिनकी नहीं हुई उनकी हो जाएगी आने वाले समय में, तो थोड़ा सा सोच विचार करके कराना, ठीक है, हम लोगों की तरह मत करना कि अंधे तो अंधाधुंध लगे पड़े हैं कहीं भी चिपक जाओ। भैया आज के समय में चिपक जाने वाली बात नहीं है, आज के समय परफेक्ट से भी परफेक्ट लोगों को ही नौकरी मिलेगी। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का आखिरकार विलोम क्या है बताइए। श्री गणेश का आखिरकार विलोम क्या होता है? देखिए श्री गणेश का विलोम आपके यूपी पीसीएस में तक पूछा गया है, और जिनको भरोसा नहीं है तो यूपी पीसीएस के हिंदी में जो मतलब वो आता ना आपका सीसेट वाले पेपर, तो उसमें जाकर के देख लेना,
वास्तव में मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। इथ मतलब जो इथ श्री है ना, श्री गणेश का, तो ये पूछा जाता है। छठवें नंबर पे आते हैं, अबकारी शब्द क्या होता है बताइए, अबकारी शब्द आखिरकार क्या होता है? जिन शब्दों के रूप वचन लिंग आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। जैसे इसमें अव्यय हो जाएंगे, जैसे आगे, लड़का भी आगे जा सकता है, लड़की भी आगे जा सकती है, ठीक है। आप लोग का नीचे, यहाँ, वहां, तो ये इनमें क्या है, इनमें लिंग और बाकी चीज का परिवर्तन नहीं होता है। लिखा हुआ कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आंशिक शब्द में आखिरकार प्रत्यय क्या है बताइए, आंशिक शब्द में आखिरकार प्रत्यय क्या होगा? आंशिक में एक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय पीछे लगता है, याद रखिएगा, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। बेटा बाल विकास की किताब अभी छपने को डली है, मिलेगी, ठीक है। अब जब आएगी तब बताया जाए कैसे मिलेगी, अभी हमारी बुक सेलर से ही नहीं आई, मतलब जो पब्लिशर होता है ना उसने पता नहीं बता रहा कौन सा इशू आ गया है, कंटेंट चेक होने गया, तो ये सब पता नहीं कौन सी इनकी अलग अलग डिमांड होती हैं, सब पैसे ऐंठने के तरीके हैं, डिमांड क्या, इतना तो हमको फोटो कॉपी करा करके मतलब प्रोवाइड कराने में नहीं होती दिक्कत, जितना हमको ये कॉपीराइट लेने में हो रही है दिक्कत। निम्न में से सम मात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है, छम मात्रिक छंद का आखिर का उदाहरण कौन सा है? छम मात्रिक छंद अगर हम बात करें तो चौपाई जो है ना, चौपाई में सम मात्रिक होती है, ठीक है। चौपाई आप लोगों की सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आती है, तो याद रखेंगे आप लोग। गुरुदेव में आखिरकार समास कौन सा है, गुरुदेव में समास कौन सा, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि गुरुदेव में समास कौन सा है बताइए, कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, ठीक है। तो भैया गुरु की हमेशा रेस्पेक्ट करना, चाहे गुरु कोई भी हो, ठीक है। अगर आपके जिंदगी में कुछ बदलाव वो कर पा रहा है, आपको कुछ ज्ञान प्रोवाइड करा पा रहा है, गुरु केवल पढ़ाने वाला ही नहीं होता है, गुरु आपके समाज में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको कुछ ज्ञान दे रहा है, वो सब आपके गुरु की श्रेणी में ही आते हैं। तो अगर हम बात करें क्या लगता है गुरु में क्या हो जाएगा, गुरु में अगर हम बात करें, गुरु में कर्मधार समास हो जाएगा, ठीक है। इसका समास विग्रह होगा देव के समान गुरु, ठीक है। समास विग्रह क्या होगा, देव के समान गुरु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर याद रखना डी वाला। दसवें नंबर पे आते हैं, सुउक्ति में आखिरकार संधि कौन सी है, सुक्ति में संधि विच्छेद कौन सा होगा, ठीक है। सुक्ति में आखिरकार मतलब संधि विच्छेद नहीं भाई, सुक्ति में आकर मतलब कि सु प्लस उक्ति का आखिरकार संधि मतलब पूरा शब्द क्या होगा, संधि विच्छेद यहाँ पे दी है, फिर क्या हो गया पूछा गया है। देखिए सुक्ति में आप लोगों का जो है ना ये हो जाए सुक्ति हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि, इसमें आपकी जो है ना कौन से दीर्घ संधि है, कौन सी दीर्घ, ठीक है। ग्यारहवें नंबर पे आते हैं, कजोल का आपको अंग्रेजी बतानी है, आज इंग्लिश का केवल एक ही मिला, ठीक ठाक, ठीक है, बाकी कुछ थे नहीं, तो हमने केवल एक ही प्रश्न रखा है, तो एक प्रश्न कराया है, तो कृपया करके इसको गलत मत कर देना, ठीक है, वरना गलत बात हो जाएगी बहुत। ये हो जाए कजोल का कोक्स होता है, ठीक है, कजोल का कोक्स, ठीक है, कोक्स कभी भी पेपर में आए तो हमेशा याद रखना, काजोल जो है उसको कोक पीना बहुत पसंद है, कोक से मिलता जुलता कोक्स हो जाएगा, ठीक है, कोक्स कोक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रज्ञा जी खूब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, जो लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल दे रहे हैं, ग्यारहवें का ये होगा, सी देने वाले गलत हो, ठीक है, तो मुझे लगा सी वाला दिया, इसीलिए अभी बोतल पढ़ते पढ़ते बच गई। लिखा हुआ कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, आवर्धक लेंस आखिरकार क्या होता है, ठीक, आवर्धक लेंस आखिरकार क्या होता है बताएंगे आप, पता है तो बता दो, नहीं पता तो भी बताओ, क्योंकि बिना सीखे तो कुछ आता नहीं है। आवर्धक लेंस आखिरकार क्या है, देखिए आवर्धक लेंस की अगर हम बात करें, आवर्धक लेंस क्या होता है, ठीक है, क्या होगा आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस जो होता है ना उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आवर्धक लेंस आप लोगों का उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। आते हैं हम लोग किस नंबर पे, आते हैं तेरहवें नंबर के प्रश्न पर, लिखा हुआ कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं, ध्रुवित की जा सकती हैं, कौन सी तरंगे हैं जिनको ध्रुवित किया जा सकता है, वायु की ध्वनि तरंगें, एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगें, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, या फिर प्रकाश तरंगें, तो कौन सी तरंगें हैं जिनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये केवल और केवल प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना प्रकाश तरंगों को ध्रुवित कर सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी। आते चौदहवें नंबर के प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है, ठीक है, तो कौन सा है बताएंगे आप लोग,
स्नेहा जी, आपको किसी ने नहीं भुलाया है, ठीक है? अभी भूलने और बिछड़ने की बात सारी की सारी अलग रखो, ठीक है? और अभी थोड़ा सा फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है? ये आपका लाल रंग हो जाएगा, ठीक है? तभी तो ट्रैफिक लाइट वगैरह में या फिर खतरनाक सिग्नल पे क्या लिखा होता है, लाल लाइट है, ठीक है? रेड लाइट है भैया, रेड लाइट बड़ी खतरनाक होती है, हमको बड़ा डर लगता है रेड लाइट से, ठीक है? रेड लाइट से बड़ा डर लगता है, ठीक है? किसने ये हम पे हरा रंग डाला? चले आते हैं हम लोग 15 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। एक एंजाइम जिससे दूध का दही में जमा हो जाता है कौन सा होता है? दूध का दही में परिवर्तन होता है किसके वजह? पेप्सिन, साइट्रेट, या फिर रेजिन, या फिर रेनिन? देखिए ये जो है आप लोग कौन सा, रेनिन है, ठीक है? रेनिन ऑप्शन नंबर ए। तो ये एंजाइम होता है जिसका दूध का दही में जमाव हो जाता है। 16वें नंबर पे आते हैं, पक्षियों के अध्ययन को आखिरकार क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बताइए? लिम्नोलॉजी कहते हैं, हर्पटोलॉजी बोलते हैं, आर्निथोलॉजी बोलते हैं, या फिर मैलेकोलॉजी बोलते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है? मैंने बताया था आप लोग, पक्षी मोरनी क्या होती है, मोरनी एक पक्षी होती है, ठीक है? मोरनी यहां पर लिखा ओरनी, ओर्निथोलॉजी, ओरनी और मोरनी में ज्यादा फर्क तो है नहीं, ठीक है? तो यहां पे ओर्निथोलॉजी हो जाएगा, मिलता जुलता शब्द है इसलिए मैंने बता दिया। ल्यूकीमिया और रक्त का कैंसर किस असामान्य वृद्धि के कारण होता है? किसकी असामान्य वृद्धि के कारण जो होता है ल्यूकीमिया और रक्त का कैंसर होता है, मतलब ल्यूकीमिया रक्त का कैंसर एक ही बात है। तो ये WBC की इनमें मात्रा बढ़ जाती है। एक बात याद रखेंगे, WBC का जो काम होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज करना, ठीक है? और इसके अलावा इनकी जो संख्या होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है, इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का होता है, किसी किसी किताब में 3 से 5 दिन मिलता है, बट बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 से 5 दिन का इनका मिलता है, ठीक है? 18वें नंबर पे आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित श्रव्य ग्रंथि कौन सी है? थायमस है, यकृत है, प्लीहा, या फिर अग्नाशय है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, श्रव्य ग्रंथि आखिरकार कौन सी है, ठीक है? यह बता सकते हैं अगर आपको पता है, यह कौन सी है अगर हम बात करें, इसका नाम है अग्नाशय, ठीक है? कौन सी ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय है। आते हैं हम लोग 19वें नंबर, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, ठीक है? पुरुषों में जो सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरीन है, या फिर आप लोगों का एस्ट्रोजन, या फिर इंसुलिन है? तो ये तो सबको पता होगा, ये कौन सा है, ये आपका टेस्टोस्टीन हो जाएगा, ठीक है? टेस्टोस्टेरीन, ऑप्शन नंबर सी वाला। 20वें नंबर पे आते हैं, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेदिक जो आर्य लोग थे वो आखिरकार किस भाषा का प्रयोग करते थे, ये बताना है। ऋग्वैदिक आर्य आखिरकार किस भाषा का प्रयोग करते थे? कुमन जी नमस्कार, ठीक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, संस्कृत भाषा का यूज करते थे, ठीक है? याद रखना ये लोग संस्कृत भाषा का यूज करते थे, इनकी प्रमुख भाषा संस्कृत ही थी। आते हैं 21वें नंबर पर, मांडू की रानी रूपमती का संबंध आखिरकार किससे है, किससे था? ये हम लोगों ने बहुत पहले किया था, मांडू की रानी रूपमती का, अनीता मौर्य जी, समझ रहे हो ना आप? मांडू की रानी रूपमती का आखिरकार संबंध किनसे था? ये जो था ना बड़ा ही बहादुर आदमी था, बाज बहादुर था, ठीक है? तो बाज बहादुर इनका आशिक था, तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध इनसे था, ठीक है? तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? बाज बहादुर, ऑप्शन नंबर बी वाला। 22वें नंबर पे आते हैं, 22वें नंबर का प्रश्न क्या है? 22वें नंबर का जो प्रश्न है बड़े ही जबरदस्त प्रश्न है, लिखा हुआ है कि इस 22वें नंबर का प्रश्न है, उस युग्म को चिन्हित करिएगा जो सम्मिलित नहीं है। नेताजी को सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, सीमांत गांधी को अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल मौलाना अब्दुल आजाद बोलते थे, या फिर देश बंधु को सी आर दास बोलते, दीन बंधु सीएफ एंड्रूस को बोलते, ठीक है? क्या लगता है, युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है बताइए? देखो बाकी सारी के सारे सही हैं, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं, ठीक है? खान, अरे प्रज्ञा जी, प्रज्ञा नंबर 1 जी, ठीक है? प्रज्ञा 2 मैंने बता दिया था कल, मैंने नामकरण किया था, प्रज्ञा 1 शॉर्ट वाला और प्रज्ञा 2 बड़े नाम वाला, ठीक है? तो प्रज्ञा जी इतना भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, सॉरी बोलने से ज्यादा जरूरी पता है क्या है, सही जवाब देना, ठीक है? यहाँ पे आपका सॉरी कोई देखे या ना देखे, बट आपका सही जवाब जरूर देखेंगे। जायरा अंसारी जी, समझ आ रही ना बात, इनको बोलो कुछ बोलेंगे। 23वें नंबर पे आते हैं, कौन सा सही नहीं है? गेहूं रबी की फसल है, चना खरीफ, चावल खरीफ, या फिर जी खरीफ, जौ खरीफ, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं बताएंगे आप लोग? यहाँ पे अगर हम बात करें, चना कौन सी फसल के अंतर्गत आता है बोलिए?
क्या लगता है चना किस फसल के अंतर्गत आता है? चना किस फसल के अंतर्गत आता है बता दिया करो, ऐसे बैठे रहते हो डब्बा समूह लेकर के। ठीक है, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? चना जो है भैया वो किसके अंतर्गत आता है? बिल्कुल, चना जो है रवि की अंतर्गत आता है। चना की फसल जो है रवि की फसल के अंतर्गत आती है, तो ये बात याद रखो, चना किसके? रवि की फसल है, ना कि आपले खरीफ की फसल है। आते हैं हम लोग किस नंबर पे आते हैं? अब आते हैं हम लोग 24 मिनट। कर्नाटक का मतलब क्या होता है? कर्नाटक का मतलब क्या होता है? आज मतलब समझ लो, कर्नाटक बहुत सुनते हो। ठीक है, कर्नाटक का मतलब क्या होता है? कर्नाटक का मतलब होता है उच्च भूमि। क्या? कैसी भूमि? उच्च भूमि। ठीक है, 25वें नंबर पे आता है कोयला उत्खनन उत्पादन में रूर बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र कौन सा है देश में? रूर बेसिन के नाम से विख्यात आखिरकार कौन सा क्षेत्र है ये बताएंगे आप लोग। भारत मतलब कि रूर बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में? भारत में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, फिर आप लोगों का अमेरिका में? तो कहां पर है? जर्मनी में है। ठीक है, याद रखना जर्मनी में है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है, एक प्रश्न है बड़ा ही कठिन है, हो सकता है आप में से आधे लोगों को भी ना पता हो। एक गर्म हवा होती है, ठीक, गर्म हवा होती है, ठीक है, गर्म हवा होती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चिनूक। चिनूक गर्म हवा का किस कहाँ पे चलती है? ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तीन ऑप्शन दूंगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका में चलती है, अमेरिका में चलती है, ठीक है, या फिर एशिया में चलती है। किस कंटिनेंट में चलती है ये पूछा, कंटिनेंट। चिनूक जो गर्म हवा है वो कहाँ पर चलती है ये प्रश्न है। ठीक है, सर जा रहे हैं खाना बनाने। शैलेश जी खाना बनाने जा रहे हो? अब जाओ, अब क्या कर सकते हैं, हमको भी बनाना पड़ता है भैया। 11 बजे के मतलब 10:45 पे हम भी शुरू कर देते, रोटी बनाते हैं, क्या करें, काम है तो करना पड़ेगा, और खाना नहीं खाओगी तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। सब्जी पहले बनाते हैं, रोटी बाद में बनाते हैं। तो अगर हम बात करें चिनूक कहाँ की है, ठीक है, अब आधे लोगों की अब बोलती बंद होगी। अब आधे सर जी क्या पूछा, क्वेश्चन कराओ, ऐसे क्या पूछ ले तो बीच में। हम क्या हर चीज़ आती है क्या भैया? आती नहीं, वही तो सीखनी पड़ेगी, जो नहीं आता है वही तो सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ लोगों को पता है, आधे से ज़्यादा लोगों को सही आंसर पता है। बहुत बढ़िया, तीनों में नहीं, बहुत बढ़िया रितेश जी। देखो ऐसा है ना, वो बात आपने कहावत सुनी है, एक आदमी था हर रोज कहता था भेड़िया आया भेड़िया आया, ठीक है, और उल्लू बनाता था लोगों को। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सच में भेड़िया आ गया, किसी ने भरोसा नहीं किया। तो आज मैंने क्या कर दिया, आज मैंने सच में सही ऑप्शन दे दिया, आप लोग भरोसा नहीं कर रहे हो। भैया अमेरिका में चलती है, ठीक है, जो कह रहे हैं कोई नहीं तो अमेरिका में चलती है। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि भेड़िया ना ही आए, एक बार हो सकता है भेड़िया आ भी जाए, तो देख लिया करो। ठीक है, हर बार गुमराह नहीं होते हैं, सही ऑप्शन पता हो तो बता सकते हो। लिखा कि मिट्टी में क्षारपन या क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या? बिल्कुल, रॉकी पर्वत, यूएसए। बहुत बढ़िया विवेक जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया, धुआंधार। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मिट्टी में अगर ये सब है, खेत में जिप्सम का प्रयोग करके, खेत में जिप्सम का प्रयोग करके होता है। ठीक है, तो खेत में जिप्सम का प्रयोग करके आते हम लोग 27वें नंबर पे आते हैं। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड लागू किस राज्य में किया गया है? समान कॉमन सिविल कोड संहिता आखिरकार किस देश में मतलब कहां पे लागू किया बताएंगे आप लोग। ये कहां पर है? अपना गोवा में। कहां पे? गोवा में है, तो ये आपका गोवा में है, आप लोगों को पता भी हो कुछ को, जो लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल सी। 28वें नंबर पे आते हैं, मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? मतदाता कहां पर है? अपन लोग वैसे भी 26 करोड़ हो गए हैं लगभग, तो सोचो कौन है भैया? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा, हमको कोई दम है कि पीछे करके दिखाए, करके दिखाओ। ठीक है, किसी में दम नहीं है जो उत्तर प्रदेश को पीछे कर ले। तो भैया उत्तर प्रदेश में बड़ी ही दिक्कत है, ठीक है, भीड़ बहुत हो गई है। प्रीति गौतम जी समझ रहे हैं इस बात को, यूपी से ही हो जाएगा। ठीक है, 28वें नंबर पे आते हैं, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे आप? बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह परीक्षा के द्वारा, या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा? बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे बताइए? बच्चों का मूल्यांकन रूबी चौधरी जी कैसे होता है? आखिरकार बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे बताइए? बच्चों का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, यही तो प्रश्न है, बताना है आपको।
प्रज्ञा जी मैं समझा नहीं, कौन सी गर्ल का नाम बताऊं, कौन सी गर्ल है ये? बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ठीक है, कैसे होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन? देखिए, बच्चों का जो मूल्यांकन है वो होना चाहिए कैसे, अगर हम बात करें तो होना चाहिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 29वें नंबर पर आते हैं, उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? उपलब्धि परीक्षण प्राय किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए, किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए, सीखने वालों के सबल दुर्बल पक्षों को पहचानने के लिए, या फिर शिक्षण के पश्चात परखने की मात्रा को मूल्यांकन के लिए। तो उपलब्धि परीक्षण प्राय किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण किस लिए प्रयोग किया जाता है पूछा गया है। उपलब्धि परीक्षण प्राय किया जाता है शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए। मतलब क्या, आपने मान के चलो एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, कौन सा वाला आपने पढ़ा जा करके, भारत की नदियाँ। अब भारत की नदियों को अगर आपको पूरा आता तो मैं आपका टेस्ट लूँगा, उस टेस्ट में जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही ज़्यादा आपका मूल्यांकन कर पाएंगे। हाँ, आपके दिमाग में जो है ना बैठ गई हैं चीज़ें, ठीक है, आपने सच में पढ़ा हुआ है। पढ़ाई दो तरीके की होती है, कि सुबह पढ़ा शाम को भूला, एक होती है पढ़ाई आज पढ़ा एक साल तक काम में लिया, ठीक है। इसको करने के लिए मल्टीपल रिवीजन की आवश्यकता होती है, जो कि आपको करनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य आखिरकार क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यवसाय कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ठीक है। तो आखिरकार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, शिक्षा का उद्देश्य जो है वो हमारे भारत में क्या है, आप लोगों को मालूम, भारत में क्या, हर जगह अगर मेनली बात करें शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है ये बताना आपको। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अगर हम बात करें, होने चाहिए में तो बहुत कुछ है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें होना ये चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। क्या आपको लगता है हमारे यहाँ पर जो विद्या, मतलब कि जो एजुकेशन का पैटर्न है, उसके हिसाब से व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को हम तैयार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? ठीक है, कितने लोगों को लगता है हाँ सर कर पाते हैं, कितने लोगों को लगता है नहीं कर पाते हैं? देखिए, आपको बता दूं, पूरी तरीके से सहमत नहीं है मैं से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार नहीं भी कर पाते। क्योंकि देखो, आज के समय में क्या है कि इतना ज़रा मतलब आपको मालूम है, अपने यहाँ पे जो रटंत विद्या को प्रोत्साहन दिया जाता है कि पास हो जाओ और नंबर ले आओ, ठीक है, वो आज के समय में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो व्यवहारिक ज्ञान जो है वो देना तो चाहिए, बट व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ये पूरी तरह सही बात नहीं है, ठीक है। बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ भी जाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से भी पिछड़ जाते हैं, ठीक है, और समाज में भी, और शिक्षा की स्तर तो आप लोग जानते ही हो। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित में, लक्ष्य केंद्रित में, ठीक है, बिल्कुल। यूपी पैट में फॉर्म डाल दो, कितनी बार कहें यूपी पैट में फॉर्म डाल दो, ठीक है, कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित या फिर पुरस्कार प्रेरित। तो सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए? ठीक है, ये आप बताएं कैसे रखना चाहिए। ये रखना चाहिए, पता कैसे, ये रखना चाहिए आप लोग लक्ष्य केंद्रित, मतलब आपका ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। देखो, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसको आप पर नहीं जाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भर्ती आएगी ही नहीं, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना कठिन सिलेबस है कैसे कर लोगे पूरा, इतनी भीड़ है, तुम पागल हो, तुम्हारा हो जाएगा, इतनी भीड़ वालों का अच्छा अच्छा का होता नहीं है। ये तमाम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिनसे आपको बचना है, आपको हमेशा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, फोकस ओनली ऑन योर टारगेट, ठीक है, आपको इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं। 32वें नंबर पे आते हैं, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है बताएंगे आप लोग, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण आखिरकार क्या है? प्रज्ञा जी बड़ी पहली नंबर वाली, ठीक है, क्या है बताइए? कुमार सिंह जी, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है?
चिंतन पे प्रक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाषा, ठीक है, भाषा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाषा, ठीक है। तो भाषा यहाँ पे क्या लिखा है, महत्वपूर्ण सबसे कम महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण भाषा, ठीक है, महत्वपूर्ण बहुत कम भाषा। देखो भाषा नहीं आती वो लोग भी चिंतन कर सकते हैं, ठीक है, भाषा नहीं आती है वो लोग भी तो चिंतन कर सकते हैं। आखिर हम बात करें चिंतन के महत्वपूर्ण, जो अगर हम बात घटक क्या है, विषय वस्तु, मतलब किसको लेकर के चिंता कर रहे हो। आप लोगों को पता है मेरी चिंता अक्सर कर किस चीज को लेकर के होती है, ठीक है, आप लोगों को पता है, ठीक है। दूसरी का क्या है, शारीरिक क्षमता, ठीक है, और तीसरा बुद्धि आदि, ये सारे भाषा का कुछ लेना देना, ठीक है, भाषा का लेना देना नहीं है, विषय वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आते हैं 33 नंबर पे, अरे बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, ठीक है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ बताएंगे आप लोग। सर 31 में सीसी को नहीं हो, क्या मतलब कह रहे हो। अच्छा राहुल जी, अभी देख लेंगे उसको, ठीक है, अभी देख लेंगे, बता देंगे क्या था वो प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 1970, 1971 में होगा, ठीक है, 1971। नमस्कार, हम ही यादव जी बड़ी लेट हो गए, क्या बात है। आप लिखा हुआ है कि HTML का आगे का पूरा नाम क्या है, ठीक है, HTML का पूरा नाम क्या है, HTML का पूरा, अभी राहुल अभी देखेंगे उसको, ठीक है, कौन सा प्रश्न है अभी मुझे ध्यान नहीं है से, अभी मैं देख लूंगा, ठीक है। वैसे आपको लग रहा है आपका डाउट क्लियर कर देंगे जो भी है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रश्न कौन सा प्रश्न भुलवा दिया, ठीक है, 34वें नंबर का प्रश्न, HTML का आखिर का पूरा नाम क्या है। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, जो लोग बी दे रहे हैं सही है। अभी इनका देख लेते हैं, कोई सवाल रह गया था पता नहीं क्या कह रहे हैं। लक्ष्य केंद्रित होगा, कार्य केंद्रित तो लक्ष्य केंद्रित नहीं, देखो लक्ष्य केंद्रित है, ठीक है, केवल और केवल गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, कार्य केंद्रित नहीं, ठीक है, कार्य केंद्रित नहीं, लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, कार्य नहीं होगा, लक्ष्य केंद्रित होगा। केवल और केवल गोल ओरिएंटेड है, आपको इतना ध्यान रखना है। आते हम लोग किस नंबर पे आते हैं, हम लोग 35वें नंबर पे आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड साइंस का मुख्यालय कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आखिरकार कहाँ पर स्थित है, विपिन द्विवेदी जी कहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो कहाँ पर है, ये अच्छा प्रश्न है, अक्सर कर पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में है। आते हैं 36 नंबर पर, अल्फांसो आखिरकार क्या है, अल्फांसो आखिरकार क्या है, एक गुलाब की किस्म है, सेब अंगूर या फिर जो है ना आम की किस्म है। देखिए अल्फांसो क्या है, एक आम का प्रकार है, आपने देखा होगा एक कैटरीना कैफ ऐड करती थी, ठीक है, कैटरीना कैफ ऐड करती थी, वो वाला कौन सा माजा वाला स्लैश वाला, पता नहीं कौन सी पेप्सी पीती थी वो, ठीक है, तो उसमें वो आम जो दिखाया जाता है उसमें बार बार अल्फांसो से बना हुआ, ठीक है, रसीले अल्फांसो से बना हुआ, पता नहीं कौन सा था वो पीने वाला शरबत, ठीक है, बोला आप देख लेना, ठीक है। तो आते हैं अगले, व्हाइट हाउस क्या है, व्हाइट हाउस का नाम क्या है, व्हाइट हाउस का नाम क्या है, व्हाइट हाउस का बेबी बेगम जी, बड़े दिनों बाद बेगी बेगम जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं आपको जानता हूं अच्छी तरीके से, आप पिछले 1-1.5 साल से आ रहे हो, ठीक है, बट आ कैसे रहे हो, 1 महीने आते हो, 2 महीने गायब हो जाते हो, फिर 3 दिन आते हो, फिर 10 दिन गायब हो जाते हैं, ऐसे देखो कंटिन्यूटी नहीं होती। आपको क्या लगता है ये प्रश्न कराना केवल बाद में कर लेंगे, देखिए इतने प्रश्न आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट खरीद करके भी नहीं लगा पाएंगे। आज 201वें नंबर की क्लास चल रही है, 50 का गुणा कर लो, 10,000 से ऊपर प्रश्न करा चुका हूं मैं, ठीक है, आपके रिपीटेड प्रश्न जो आते हैं 5,000 से लेकर के 7,000 ही रिपीटेड प्रश्न है, और जबकि हम 10,000 करा रहे हैं, आज 10,000 में 10,000 प्रश्न हो गए हैं लगभग, ठीक है। तो गैपिंग ना किया करो, कहीं भी पढ़ो बट रेगुलरली पढ़ो, मैं नहीं कहता हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे पता है मैं सबसे बकवास पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट अगर आपको लगे थोड़ा बहुत ये सामने वाला बंदा जानता है तो रेगुलरली रखो, ठीक है, तभी कुछ सीखते हैं। अगर मैं अभी भी कुछ YouTube पे टीचर्स जिनको फॉलो करता हूँ मतलब आगे की पढ़ाई के लिए, तो मैं कभी भी मतलब गैपिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, अगर उनकी लाइव क्लास तो हमेशा अटेंड करता हूँ। वो बात अलग है, मेरी आईडी दूसरी है, अब सरकारी मास्टर से तो नहीं जाएंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या है, एक निवास स्थान है, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को कहते हैं, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को कहते हैं। आते हैं 38वें नंबर पे, आते हैं कौन सा नगर संतरों के लिए विख्यात है, कौन सा नगर आखिरकार संतरों के लिए विख्यात है, बताइए संतरों के लिए आखिरकार कौन सा नगर विख्यात है। कोई बात नहीं बिट्टू, ठीक है, कोई नहीं दिक्कत है। हाँ, संतरों के लिए विख्यात कौन सा, संतरों के लिए नागपुर ऑरेंज आता है, कौन सा, नागपुर ऑरेंज, बचपन में रसना पिया था, अब भी साथ पीते होगे, ठीक है, अभी तो पी लेते हैं कभी कभी मिल जाता तो, ठीक है, तो नागपुर ऑरेंज बहुत ज़्यादा फेमस है, नागपुर के ऑरेंज होते हैं, नागपुर के ऑरेंज, ठीक है, और नागपुर के ऑरेंज है। ऑप्शन नंबर आते हैं अगले नंबर पर, ठीक है,
ये कौन आ गई है, ये कुछ आ गई है, ठीक है कोई नहीं इसको इग्नोर करते हैं। ये कौन है, ये मोनालिसा है, ठीक है ये कौन है, मोनालिसा, इनको जानते हो आप लोग? इसी पेंटिंग की मैं बात कर रहा था, मोनालिसा की पेंटिंग है, ठीक है मोनालिसा। यहां से प्रश्न ये पूछना था मुझे, इस पेंटिंग के रचनाकार कौन है? कोई जानता है कि इस पेंटिंग के आखिर रचनाकार कौन है? ठीक है, इस पेंटिंग के आखिर का रचनाकार कौन है बताइए, इस पेंटिंग का रचनाकार कौन है बताएंगे आप लोग? ये जो मोनालिसा की पेंटिंग है इसके रचनाकार कौन है? ठीक है इसके कौन है ये तो बता रहे भैया, कौन है इसके रचनाकार? लिनार्डो दा विंसी, बिल्कुल सही है, ठीक है लिंची नहीं है वो विंसी है। ठीक है आते हैं अगले नंबर पे आते हैं, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, जिनको भी नहीं पता है उनको पता कर लेना चाहिए था। 40 नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ क्या है, ISOR का पूरा नाम क्या है, इसरो का पूरा नाम क्या, ISRO, ठीक ISRO, इसरो, इसरो का आखिर का पूरा नाम क्या है? इसरो आप लोगों को पता है भारतीय एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है स्पेस एजेंसी है। अच्छा इसरो अगर भारत की, तो जैक्सा किसकी एजेंसी है? जैक्सा पता है आप लोग किसकी एजेंसी है? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पता होना चाहिए, छोटे मोटे लेवल पर ही मालूम होना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 41 नंबर पे आते हैं, साउथ ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर बताइए? तो कहां पर है इसका मुख्यालय? है हमारा बिलासपुर में, ठीक है यहां पे कहां, बिलासपुर में है। आपको सर बिलासपुर कहां पर है, ऐसी बिलासपुर में, यह है आपका छत्तीसगढ़। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा, हो सकता है जिसका जवाब आपको पता, हो सकता है बिल्कुल भी ना पता हो। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहां होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश आखिरकार कहां होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहां होती है बताइए? किस जनपद में सबसे कम बारिश होती है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहां होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश होती है मथुरा में, याद रखें मथुरा, ठीक है मथुरा। 42 नंबर पे आते हैं, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? मेमोरी पद आखिरकार किसके लिए प्रयुक्त होता है बताइए? बहुत बढ़िया मथुरा, सही है, ठीक है। आखिरकार मेमोरी का जो पद है, मेमोरी शब्द किसके लिए यूज होता है? लॉजिक के लिए, कंट्रोल प्रोग्राम पर, स्टोरेज के लिए। देखो मेमोरी ऑलवेज यूज फॉर स्टोरेज, ठीक है स्टोरेज पर्पज से होता है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी वाला। 43 नंबर, किस प्रिंटर में, किस प्रिंटर से, श्याम जी बड़े दिनों बाद आ रहे हैं आप, ठीक है मतलब आ तो रहे, मैं ही नाम बड़े दिनों बाद ले पा रहा हूँ। किस प्रिंटर से कार्बन लगातार लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं? किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर के अधिक प्रतियां निकाली जा सकती हैं? लेजर प्रिंटर है, इंक जेट है, बबल या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। तो बबल लगा करके मतलब रिबन विबन लगा करके, कार्बन लगा करके जो है ना ज्यादा प्रतियां निकाल सकते हैं। ये हमारा कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। आपने डॉट मैट्रिक्स देखा होगा, रेलवे की जो आपने टिकट वगैरह बुक कराई है कभी काउंटर पर जाकर के, उसमें से डॉट 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 करके लिखा होता है, डॉट डॉट करके लिखा होता है श्याम विपिन विक्रांत ऐसे करके, ठीक है। 44 नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, कंप्यूटर मतलब डेस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, CPU, कंपैक्ट डिस्क, मॉनिटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण, ठीक है बिल्कुल जैक्सा जापान के, बिल्कुल राहुल सही कहा आपने, और बाकी लोगों ने दिया ही नहीं था, इन लोगों के पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। 45 नंबर पे आते हैं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से किस रूप में अभी संकेतित होती है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को हम और किस नाम से भी जानते हैं? मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दोनों इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं है, फिर इंटरनल स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट किस रूप में अभी संकेतित होती है? अगर हम बात करें, क्या लगता है
ये आपकी इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी दोनों के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर पे आते हैं, कंप्यूटर विज्ञान में 1 KB का मतलब क्या होता है, मतलब 1 KB इक्वल टू क्या होता है, 1 KB किसके बराबर होता है, 1 KB आपने सुना होगा, 1 KB क्या होता है, 1 KB व्हाट इज 1 KB, 1 KB होता है आपका 1024 वाइट, ठीक है 1024 वाइट, 1 MB बराबर होता है 1 MB बराबर होता है 1024 KB, और क्या होता है 1 GB बराबर होता है 1024 MB, ऐसे करके यूनिट्स बनती जाती हैं। 47 नंबर पे आते हैं, लिखा आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी जो झूठ बोलने की आदत है, आप उसके व्यवहार मतलब आप उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, झूठ ना बोलने के लिए कहेंगे, उसे सजा देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, या फिर उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे। ठीक है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ में कैसे व्यवहार करेंगे, आप उसे क्या करेंगे, आप उसको बोलेंगे क्या करेंगे, बोलिए यहाँ पर कुछ लोग सजा देंगे, सर सीधे मार देंगे हम, तो मारो ठीक है, फिर तुम्हारे खिलाफ FIR होगी। भैया देखो बच्चों को आजकल कूटना बड़ा ही मुश्किल हो गया, बच्चों पहले वाले नहीं रह गए हैं, ठीक है कि मार दिया मम्मी पापा कुछ नहीं, मम्मी पापा सीधे कहेंगे ये हमारे बच्चों पढ़ाता नहीं है, सीधे मार पीट करता है, ठीक है। तो मारना तो बिल्कुल वर्जित है, मैं कभी नहीं मारता हूँ, मारना है तो एक आध थप्पड़ वगैरह मार दो, डंडा तो बिल्कुल ही वर्जित है। 48 नंबर पे आते हैं, शिक्षक का शिक्षक की भूमिका कैसी हो, ठीक है शिक्षक की भूमिका, बिल्कुल राहुल कुमार जी, मिठाई का डिब्बा लेकर के मिलना, ठीक है खाली हाथ मत मिलना, क्योंकि टीचर बनने के बाद में जो टेंडेंसी बन जाती है ना कंजूस पने की हो जाती है, बट कंजूस पना नहीं चाहिए हमको, शिक्षक की भूमिका, ठीक है। देखो मेरा, मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में ताकि आप लोग थोड़ा सा, देखो मुझे इस एग्जाम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक है, तो भाई है कि इस जानकारी को आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, आप लोगों की भी लाइफ बन जाए तो कुछ मिठाई के डिब्बे मिल जाएंगे और हमारा स्टाफ बढ़ जाए, कहीं जरूरत पड़ेगी, मान के चलो हमारे जनपद में आपका तबादला हो गया, हमारे जनपद में पोस्टिंग हुई, तो हम बुला तो लेंगे, इधर राहुल आओ जरा, ठीक है, या फिर कहेंगे ज्योत्सना जी, पूजा जी, अर्चना जी जरा आइएगा, मदद करिए, ठीक है, तो कम से कम हेल्प तो करोगे, ठीक है। तो अभी कुछ लोग कहेंगे, कह रहे होंगे सर मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मुझे अपनी जनपद में क्यों, मुझे आप लोगों को जो है ना मतलब सबको थोड़ी मिल जाएगा मेरी जनपद में, ठीक है कुछ ही लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं शिक्षक की भूमिका कैसे, शिक्षक की भूमिका जो होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए ज्ञान का स्थानांतरण करने की। 49वें नंबर पे आते हैं, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू करेंगे, ठीक है, या फिर छात्रों से कहेंगे गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे, छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे, या फिर छात्रों को डांट पिलाएंगे, क्या लगता है, ठीक है। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ा है वह सही नहीं है तो आप क्या करेंगे, पढ़ाया है आप ये काम करेंगे कि छात्रों को कहेंगे गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, ठीक ऐसा नहीं है, ठीक है ऐसा नहीं है, आज के समय बच्चे भी मारने लगते हैं, सही बात है, मारेगा नहीं तो कुछ सुना तो देगा ही आपको, तो इसलिए गांव के बच्चे हैं थोड़ा सख्ती कमी करना। लिखा हो कि यदि कोई शिक्षक चाहे कि उसे विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, ठीक है, विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जो हो, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीय कार्य पत्रक, या फिर प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, या फिर ड्रिल और अभ्यास, ठीक है। यदि कोई शिक्षक चाहे कि उसे उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसा ऐसे क्रियाकलाप में कलापों में लाना लगाना चाहिए, कैसे में लगाना चाहिए, उसे लगाना चाहिए पूछना, तर्क करना तथा निर्णय लेना, ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं 51 नंबर पर, एक मेघावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए, उसे उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा दिलाए, उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता करना, उसे परीक्षा में क्रमांक देना, उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल लेना, तो क्या कहेंगे आप, उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाना, आकर सीख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। 52वें नंबर पे हम आते हैं,
लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है, विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है, बताइए। पहला ऑप्शन, विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण व प्रेषित करते हैं। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर पर विकसित करते हैं। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला नहीं है, ठीक है, डी काम में नहीं है। जातिवाद तो विद्यालय में जातिवाद नहीं करना चाहिए, विद्यालय में जातिवाद नहीं करना चाहिए, बट कहीं कहीं ऐसा है अपने उत्तर प्रदेश में, ऐसा बहुत जगह पर खबरें आती हैं, हमेशा विवाद रहता है कि सवर्ण जाति के जो छात्र हैं वो दलित जाति के छात्रों के साथ में भोजन नहीं करना चाहते। मतलब एक ही, देखो स्कूल में रूल ये है कि अब एक पंक्ति में बिठा के सबको खाना खिलाओ, बट वो क्या करते हैं, उनके गार्जियंस खुद कहते हैं कि हमारा बच्चा अलग खाएगा, दलित का बच्चा अलग खाएगा। तो ऐसी समस्याएं कुछ जगह पर देखने को मिलती हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, रियलिटी में होता है। अब इस निपटारे को कैसे निपटाया जाए, ये बड़ी ही समस्या वाली बात हो जाती है, क्योंकि अगर एक को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप ये कह दोगे आपको खाना खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, तो एक हो सकता है एक तबका आपको स्कूल ही छोड़ दे, तो आपको स्कूल में भी रखना है और आपको दोनों को समायोजन भी करना है, तो आप क्या व्यवस्था करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आप जवाब मुझे दे सकते हो, दीजिएगा। बट आज के लिए यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, यहीं पर क्लास खत्म है। 52 प्रश्न थोड़े से कम है, वे 60 के आसपास होते हैं, ठीक है, बट क्या करें, कभी कभी कम भी मिलते हैं, ठीक है, तो जितने अच्छे मिलते हैं हम करा देते हैं। तो सुपर टेट की परीक्षा मुश्किल क्यों, ये भी मैंने बताया और तमाम चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है। पंखी नहीं काफ़ी है आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, तो ये बात याद रखना। बहुत सारे लोग पंख, ठीक है, पंख से कुछ नहीं होगा जनाब, ठीक है, हौसले भी होने चाहिए कि पंख से कुछ नहीं होता है जनाब, ठीक है। अगर आपको ऊंची उड़ान चाहिए तो हौसला भी होना चाहिए, हौसला है ही नहीं छत पर चढ़ने का तो कहाँ से चढ़ जाओगे। टीटू जी अभी डाल देंगे, ठीक है, मैं भूल गया था डालना, अभी डाल दूंगा जस्ट थोड़ी देर में, ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग डाल देंगे, ठीक है। इसका निपटारण क्या हो सकता है, अच्छा कौन बताएगा कि इस वाली समस्या का जो मैंने अंत में पूछी कि दलित जाति के बच्चे और मतलब अग्रिम जाति के बच्चे अगर ये चाहते हैं, दोनों के गार्जियन ये हैं कि हमारा बच्चा इनके संग ना बैठे, इनको बच्चा हमारे संग, तो आप एक स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते किस तरीके से समाधान करेंगे, बताइए किस तरीके से समाधान करेंगे। कोई है ऐसा ज्ञानी आदमी जो बता पाया, फिर कोई भी कोई है छात्र ऐसा बता पाया सही क्या हो गया यहाँ पे। ऐसे अच्छी देशी बच्चे जातिवाद नहीं देखेंगे, अच्छी देशज भावना बजे बच्चों में, देशज भावना घर वाले डालेंगे ना कि तुम उसके साथ में बैठो, अभी आपको मालूम नहीं, स्कूल में जाओगे गांव वाले तब मालूम पड़ेगा, ठीक है, कि सर जी वो इस जाति का है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, हमने भी सुना है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती कभी कभी संभालना। तो क्या लगता है यहाँ पे, ठीक है, धन्यवाद उर्मिला यादव जी, क्या लगता है, बफर सिस्टम कर दो। विपिन जी कैसी बात कर रहे हो आप, एक टीचर होने के नाते जिम्मेदाराना जवाब दो, ठीक है, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये हमारे समाज का एक रियलिटी आईना है, ठीक है, जो गांव तबकों में दिखता है आज भी। आपको ये नहीं करना चाहिए कि बफर सिस्टम कर दो, सर जी आप दे तो रहे हैं भैया, अभी डाल देंगे, ठीक है, हम डाल देंगे, बच्चों को ही हान समझिए, जातिवाद के भावना को दूर करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, सर समझे नहीं आप, भोजन भोजन बढ़िया खिलाओ, इससे ही मतलब बढ़िया भोजन, वो कहेंगे कि दलित के साथ हम खाएंगे ही नहीं तो आप क्या करोगे। ये एक प्रश्न जेन्युइन प्रश्न, ये आईएएस बारी परीक्षा में पूछा जा सके, ठीक है, ये एक बहुत ही समाज का एक ऐसा पहलू है जो दिखने में सरल लगता है बट इतना सरल है, इसको समाज देखो, अगर मैं कहूँ मैं हूँ इस जगह पर मैं क्या करता, ठीक है, मैं ये करता कि एक उदाहरण पेश किया जाता, ठीक है, उदाहरण पेश किया जाता है कि देखो जो खाना हम खा रहे हैं वही बच्चों को हम ये खिला रहे हैं, ठीक है, भले इन बच्चों के साथ में खाना खाएंगे, उनके बच्चों के साथ में खाना खाएंगे, अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा आप अपने अपर अधिकारियों को बोलेंगे, अधिकारी क्या करेगा, अधिकारी जो जाति भावना विकसित है ना उसको हटाने का काम करेगा, वो क्या करेगा, साथ में बैठ करके खाना खा करके एक उदाहरण पेश करेगा कि जब मैं खा सकता हूँ, ठीक है, तो सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, डीएम से बड़ा कोई नहीं होता, जिले में डीएम से बड़ा कोई नहीं है, तो इस मुद्दे को ऐसे करके सॉर्ट आउट भी कर सकते हो आप। नहीं नहीं देखो ये थोड़ा सा कल सीख करके आना किस कैसे समाधान करोगे, ये जेन्युइन परीक्षा, अगर मतलब अगर पेपर में ऐसा प्रश्न आ गया तो आप क्या करोगे, आप तो ऐसे ही कहोगे तो बफर सिस्टम लगा दो,
कोई कह रहा सर भंडारा करवा दो, सब खा लेंगे भंडारे में, फ्री खाते हैं सर, कोल्ड ड्रिंक बटवा लो फिर तो पी लेंगे। भैया नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है फिर, तो आपको इसका सोच करके कल जवाब देना क्या हो सकता है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। अब हम मिलेंगे कल, और रही बात बाकी क्लासेस की, देखिए अब साइंस की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप लोगों की 10 जुलाई को स्टार्ट हो, 5 दिन बाद अगले मंडे से आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल सरकारी मास्टर पर जाकर के। धन्यवाद। रिपु दामन जी का सवाल ले लेते हैं, ये कह रहे हैं कहीं से, बच्चों को समझाएंगे कि स्कूल में ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे स्कूल में तो बच्चे मान भी जाते हैं, जो माँ बाप जातिवाद करते हैं गलत बात है, हम साथ में बैठकर पढ़ाई पढ़ाती हैं ना सब एक जैसे, बिल्कुल भी बात सही है, ठीक है। चले बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अब कल मिलते हैं।